दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 20,000 से 25,000 वाले प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आपका भी बजट है 20 से 25,000 रुपए के आसपास, सितंबर 2021 के महीने में आप अपने लिए एक अच्छा बढ़िया तगड़ा और परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, ये वाला वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देख लेना, डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन सही रहने वाला है। ये चीज आपको पहले से पता होगी भाई कि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है और हर व्यक्ति के लिए अलग स्मार्टफोन बना होता है। पांच स्मार्टफोन बताऊंगा, पांचों स्मार्टफोन तगड़े स्मार्टफोन है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहता है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं नॉन चाइनीज फोन के बारे में। अगर आपको चाइनीज फोन नहीं लेना है, नॉन चाइनीज फोन ही खरीदना है, तो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F62 को आप परचेस कर सकते हैं। बढ़िया फोन है, फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में आता है, प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। हालांकि 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फ्लैगशिप ग्रेड का Exynos 9825 चिपसेट आपको मिलता है, जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देता है। डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलती है, गेमिंग की परफॉर्मेंस भी डिसेंट आपको मिल जाती है। कैमरास की अगर बात करें तो चार कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलता है, बढ़िया कैमरा सेटअप है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर आपको दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल धमाकेदार यहां पर आपको मिलता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी नहीं है भाई, 7000 mAh का बड़ा सारा बैटरा यहां पर लगाया गया है। यस, 7000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। 25W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 25W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक भी यहां पर आपको मिलता है, एंड 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 23,999 रुपए में। और इस फोन के ऊपर सेल आती रहती है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो अगर आपको नॉन चाइनीज फोन लेना है, बजट आपका 25,000 के अंदर है, तो सैमसंग गैलेक्सी F62 की तरफ आप डेफिनेटली देख सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं उन लोगों की जिनको कैमरा सेंट्रिक फोन लेना है। बाकी सारी चीजों से अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन कैमरा आपको सॉलिड चाहिए, तो Vivo V20 की तरफ आप जा सकते हो भाई। Vivo V20 भी ले सकते हो, उसका 2021 एडिशन भी ले सकते हो। दोनों ही फोन तगड़े फोन है भाई, तगड़ा कैमरा मिलता है, बिल्ड क्वालिटी भी इवन काफी तगड़ी यहां पर आपको मिलती है। फुल ग्लास बिल्ड आपको मिलता है, ग्लास फ्रंट ग्लास बैक, दिखने में फोन काफी अच्छा है। 6.44 इंचेस का आपको डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, E3 एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलता है, जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 720G चिपसेट आपको मिलता है Vivo V20 के साथ में, स्नैपड्रैगन 730 आपको मिलता है V20 के 2021 एडिशन के साथ में। दोनों की परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, डे टू डे की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, गेमिंग भी आप डिसेंट कर पाएंगे। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, पर 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है, साथ ही में 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जिससे आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं, इन 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट में अगर बात करें तो 44 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि आई ऑटो फोकस के फीचर के साथ में आता है। कैमरा मॉड्यूल धमाकेदार है, कैमरा आउटपुट भी धमाकेदार निकल के आते हैं, तो कैमरा से तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करें तो 4000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 33W की चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक यहां पर आपको मिलता है, एंड साथ ही में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, और 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 22,990 रुपए में। तो कैमरा ओरिएंटेड फोन अगर आप लेना चाहते हैं तो Vivo V20 की तरफ आप डेफिनेटली देख सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं गेमिंग करने वालों की, जिनको तगड़ी गेमिंग करनी है, बजट है 25,000 के आसपास, तो Realme X7 Max परचेस कर लो भाई, तगड़ा फोन है, तगड़ी गेमिंग की परफॉर्मेंस देता है, 90 FPS पर आपको BGMI खिलाएगा भाई। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ फोन है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में ड्रैगन ट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 6.43 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए और गेमिंग के लिए तगड़ा है भाई। Dimensity 1200 वाला चिपसेट यहां पर आपको दिया गया है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस तो मक्खन देता ही देता है भाई, गेमिंग आपको तगड़ी करा देता है। जैसे मैंने आपको बताया 90 FPS की गेमिंग यहां पर आप कर सकते हैं,
तो भाई परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 64+8+2 मेगापिक्सल्स के तीन कैमरास आपको पीछे की तरफ दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल भी इस फोन के अंदर आपको डिसेंट मिल जाता है। बैटरी की अगर बात करें, 4500 mAh की बैटरी यहां पर दी गई है। 50 वॉट की चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है। 65 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बैटरी मॉड्यूल धमाकेदार है। साथ ही में अगर बात करें तो टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक भी यहां पर आपको मिलता है, एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, और 8GB+128GB वाला वेरिएंट यूं तो आपको मिलता है 26,999 रुपए का, लेकिन ये जो फोन है ऑलमोस्ट हर महीने फ्लिपकार्ट की सेल में आता है 25,000 के अंदर। तो अगर आपको तगड़ी गेमिंग करनी है तो केवल और केवल आपको क्या करना है कि फ्लिपकार्ट की सेल का वेट करना है, और इस फोन को आप 23,499 रुपए के प्राइस पॉइंट पर खरीद सकते हैं। तो अगर तगड़ी गेमिंग करनी है, 25,000 के आसपास आपका बजट है, तो रियलमी X7 Max की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं उन लोगों की जिनको अपने फोन में ब्लोटवेयर्स पसंद नहीं है, एड्स पसंद नहीं है, जिनको क्लटरी UI पसंद नहीं है, क्लीन एक्सपीरियंस चाहते हैं, वो लोग जा सकते हैं OnePlus Nord CE की तरफ। डिसेंट फोन है भाई, प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में यहां पर भी आपको ड्रैगन ट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। 6.43 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है। फ्लूड एमोलेड पैनल यहां पर आपको दिया गया है। 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 5G फोन है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट मिलता है। 750G जो चिपसेट है, डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको डिसेंट करा देता है। परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है। 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल्स का मोनो कैमरा दिया गया है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल इस फोन का डिसेंट है, कैमरा आउटपुट भी डिसेंट निकल के आते हैं। बैटरी की अगर बात करें, 4500 mAh की बैटरी दी गई है। 30 वॉट की वॉप चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बैटरी मॉड्यूल भी यहां पर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, और 6GB+128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 22,999 रुपए में। तो क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए, ऑक्सीजन OS वाला एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है, ब्लोटवेयर फ्री आपको अपना फोन चाहिए, तो OnePlus Nord CE की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। और लास्ट में बात करते हैं ऐसे फोन की जहां पर आपको सारी चीजें मिले, मतलब ओवरऑल ऑलराउंडर फोन की अगर बात करें तो Moto Edge 20 Fusion की तरफ आप डेफिनेटली देख सकते हो भाई। प्लास्टिक बिल्ड पर हालांकि फोन बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, दिखने में फोन काफी अच्छा है। डिस्प्ले की अगर बात करें, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है जो कि सेंटर पंचोल के साथ में आता है। 10 बिट का एमोलेड पैनल यहां पर आपको दिया गया है, तो कलर्स वगैरह काफी शार्प, काफी पंची यहां पर आपको मिलते हैं। उसी के साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। तो जो डिस्प्ले है, कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया है और गेमिंग के लिए भी बढ़िया है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Dimensity 800U चिपसेट यहां पर आपको मिलता है जो कि बढ़िया चिपसेट है, डे टू डे की परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है। परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, जहां पर प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल्स का, साथ ही में 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा है। तीन कैमरास पीछे की तरफ है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल बढ़िया यहां पर आपको मिलता है, कैमरा मॉड्यूल में कोई शिकायत नहीं आएगी। 5000 mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। 30 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बैटरी मॉड्यूल भी यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक यहां पर आपको मिल जाता है, एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, और 6GB+128GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 21,499 रुपए में। तो अगर आपको ओवरऑल एक तगड़ा फोन लेना है जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाए, तो Moto Edge 20 Fusion की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो भाई, ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिल जाते हैं 20,000 से 25,000 वाले प्राइस सेगमेंट में, और सितंबर 2021 के महीने में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से आपको 5 स्मार्टफोन बता दिया। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, और इन पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे, या इसके अलावा किसी और फोन की तरफ जाना पसंद करेंगे, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।